दोस्तों आपको नॉर्मली पता होगा कि मगरमच्छ मांस यानी मीट खाते हैं, लेकिन ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी कि मगरमच्छ बड़े बड़े पत्थर भी खाते हैं। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मगरमच्छ ऐसा क्यों करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों ये मगरमच्छ इतना खतरनाक होता है कि एक बड़े बारहसिंघा को, बड़े बड़े कछुओं को और यहाँ तक कि बड़े शेर को भी आसानी से निगल सकता है। दोस्तों हम जिस मगरमच्छ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है नाइल क्रोकोडाइल। दोस्तों ये मगरमच्छ दुनिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ है। दोस्तों ये मगरमच्छ आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन अब ये आपका शिकार करने के लिए आ रहा है। दोस्तों मगरमच्छ के लिए आपको निगलना कितना आसान होगा? क्या है मगरमच्छ के पेट का राज और आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कैसे मदद करता है मगरमच्छ का दिल? इन सभी सवालों का जवाब आपको पता चल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करे ये बात बिल्कुल असंभव है, तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा, क्योंकि मगरमच्छ के हमले शार्क के हमले से भी ज़्यादा आम होते हैं। इसका मतलब है कि शार्क के हमले से भी ज़्यादा मगरमच्छ के हमले होते हैं। और हम नंबर्स की बात करें तो एक साल में लगभग 1000 से ज़्यादा हमले मगरमच्छ के द्वारा होते हैं। अगर उन 1000 लोगों में से किसी एक आप होते हो तो क्या होगा? मगरमच्छ आपके ऊपर हमला कर देता है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? दोस्तों हमें इस जानवर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए जो आपको मारने के लिए आ रहा है। ये नाइल मगरमच्छ आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन उसे हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में देखा गया है। दोस्तों ये मगरमच्छ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और साथ ही में एक साल में लगभग 300 हमले के लिए नाइल मगरमच्छ जिम्मेदार होता है। दोस्तों इस मगरमच्छ को इतना ज़्यादा अग्रेसिव जो बनाता है वो है उसका बड़ा सा खतरनाक साइज। नाइल मगरमच्छ की लंबाई 6 मीटर यानी 20 फीट तक होती है, जो कि बहुत ही बड़ी होती है, और उसका वजन 550 kg तक होता है। यह कॉम्बिनेशन मिलकर इस मगरमच्छ को दुनिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ बनाता है। तो गाइज अभी तैयार है यह खतरनाक जानवर आपको निगलने के लिए। दोस्तों मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करता है तो वह जगह होगी एक नदी के आसपास, और वो हमला आपके ऊपर जिस समय करने वाला है वो समय होने वाला है दिसंबर से मई के बीच में, क्योंकि यह समय होता है मगरमच्छ के लिए ब्रीडिंग का समय, और इस समय मगरमच्छ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। दोस्तों आप नदी के किनारे टहल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कोई आपको घूर कर बैठा हुआ है और आपके ऊपर हमला करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है, और हो सकता है कि आपने उस मगरमच्छ को देखा भी नहीं होगा और वह उस तरह से छुपा होगा। लेकिन अगर आपने उसको देख लिया है और आप उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी वह कोशिश भी बेकार होने वाली है, क्योंकि नाइल मगरमच्छ जमीन के ऊपर भी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। आप भागने की कोशिश तो करेंगे लेकिन मगरमच्छ आपको पकड़ लेगा। वो सबसे पहले आपके लेग के ऊपर हमला करेगा। मगरमच्छ अपने खतरनाक बड़े बड़े जबड़ों से आपके पैर को पकड़ लेगा और उसके ऊपर 3500 kg का प्रेशर डालेगा, जिससे आपका पैर टूट जाएगा और हो सकता है कि आपका पैर आपकी बॉडी से ही अलग हो जाए। अब मगरमच्छ आपको पकड़कर पानी में ले जाएगा और बड़े आराम से आपको खाएगा। दोस्तों अब आपका एक पैर टूटा हुआ है और आप पानी में हो। मगरमच्छ आपको पकड़कर गोल गोल घुमाएगा और पानी में डुबोने की कोशिश करेगा, और इसी समय पर आपकी मौत हो जाएगी। अब जबकि आपकी मौत हो चुकी है और आपका शरीर हिलना डुलना बंद कर देगा, तो मगरमच्छ आपको पूरे के पूरा निगल जाएगा। आप मगरमच्छ के मुंह से होकर अन्न प्रणाली में से सीधा उसके पेट में चले जाओगे। लेकिन रुको, इतना सारा खाना बहुत होता है। एक इंसान का शरीर किसी भी जानवर के लिए पूरा खा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मगरमच्छ ऐसा कैसे कर पाएगा? ये बात तो सोचने वाली है, लेकिन मगरमच्छ का पेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मगरमच्छ बड़े बड़े पत्थरों को निगल जाता है, और वही पत्थर निकले हुए शिकार को तोड़ने के लिए हेल्प करता है, और इसी वजह से मगरमच्छ अपने खाने को चबाता भी नहीं है। जब आपका शरीर मगरमच्छ के पेट के अंदर होगा तो
अंदर के पत्थर आपके शरीर को तोड़ देंगे और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इस पत्थर के अलावा भी और चीज़ें हैं जो मगरमच्छ को हेल्प करती है आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। क्रोकोडाइल का दिल काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में मगरमच्छ का पेट दूसरे जानवरों से ज़्यादा मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड पैदा करता है। सिर्फ एक ही हफ्ते में आपका पूरा शरीर क्रश हो जाएगा और स्टमक एसिड आपकी पूरी बॉडी को गला देगा और साथ ही में आपकी स्किन, हड्डियाँ, बाल सब कुछ गल जाएगा और कुछ जो बचा कुचा माल मसाला होगा उसे मगरमच्छ अपने पेट से निकाल देगा। अगर आप अगली बार दलदली नदी के पास होते हैं तो ध्यान रखें, वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको पहले से ये बातें पता थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल के ऊपर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।